गुड मॉर्निंग। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, एक कंपनी है सार एंड कंपनी, उसके कुछ बैलेंसेस दिए हैं अपने को 5 साल के। एक तो दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स डेप एंड मैनेजरियल रेमुनरेशन, मतलब इस प्रॉफिट में से टैक्स भी नहीं घटा हुआ है, डेप भी नहीं घटा हुआ है और मैनेजर का रेमुनरेशन भी नहीं घटा। ये तीनों चीज़ें अपने को घटानी पड़ेगी और टैक्स सबसे लास्ट में घटेगा, आपको पता है, क्योंकि टैक्स लास्ट प्रॉफिट पर ही लगता है। और अपने को कह रहा है कि निम्न अतिरिक्त सूचना के आधार पर लाभ ज्ञात करो और इक्विटी अंशधारियों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य निकालें। औसत लाभ निकालने पड़ेंगे अपने को। मूल्यह्रास 25 लाख की स्थायी संपत्तियों पर 10% लेना है। कंपनी की पूर्वाधिकार अंश पूंजी 5%, 10 लाख रुपए की है और आयकर की दर 50%। तो सबसे पहले तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट अपना निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन एडजस्टेड प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट निकालेंगे। दो हजार 13 से लेके 17 तक सबसे पहले लिख लेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप मैनेजरियल रेमुनरेशन एंड टैक्स। तो प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं, देखो, 4,50,000, 4,25,000, 3,75,000, 4,75,000 और 5,00,000। इसमें से एक तो लेस करना है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कह रहा है कि इस कंपनी की 25 लाख रुपए की स्थायी संपत्तियां हैं और उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। 25 लाख का 10%, मतलब 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल अपने को लगाना पड़ेगा। 2.5 लाख मैनेजर को रेमुनरेशन देना है, वो घटाना है अपने को। लेस मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजर का रेमुनरेशन है 40,000, 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 45,000। पहले तो ये घटा लें, फिर अपने बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना कितना आ जाएगा देखो, 1,60,000, 1,45,000, 95,000, 1,95,000 और 2,05,000। अब इसमें से घटाएंगे टैक्स। लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 50%, आधा टैक्स है इसमें 80,000, 1,45,000 का आधा हो गया 72,500, ये हो गया 47,500, ये हो गया आपके 97,500 और ये हो गया 102,500। ठीक है, तो अब जो प्रॉफिट आएगा ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये आ गया 80,000, 72,500, 47,500,
97 500 और 102 500। अब हम इन 500 साल का पहले औसत लाभ निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस 72,500 प्लस 47,500 प्लस 97,500 प्लस 102,500 बटा 5। तो औसत लाभ आ जाएगा इसका आपके 4,00,000 नहीं, औसत लाभ आएगा 80,000। 4,00,000 तो टोटल है। अब इसमें से एक तो प्रिफरेंस शेयर का डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, वो घटाना पड़ेगा। लेस प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड, 10,00,000 की प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, उस पर 5% डिविडेंड है, 50,000 डिविडेंड पे घटाएंगे तो 30,000 रुपये इसका प्रॉफिट बच गया है। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। और गुडविल जो है ये कह रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 30,000 को 3 से गुणा कर देंगे तो 90,000 रुपये इसकी गुडविल आ जाए। तो ये इस तरह से ये प्रश्न जो है हल हो गया। सिंपल सा प्रश्न है। मेन टैक्स का एडजस्टमेंट था, बस ये था कि इन तीनों चीज़ों में से पहले क्या लिखने हैं। तो टैक्स सबसे बाद में लिखना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि टैक्स का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में ही होगा परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, थैंक यू।